Okay, good evening to all of you. Conan good Qureshi. Evening, sir. Okay, so एक बार मुझे रूलर मारना इस पे escape velocity के फॉर्मूले पे. देखो ये फॉर्मूला तो मैंने निकाला था root of 2 gm capital G capital M upon capital R. इधर put gm में कुछ gr square रखेंगे तो v का आंसर आएगा root of 2 gr square upon r. That is being root of 2 gr. G की वैल्यू 9.8, R की वैल्यू 6200 किलोमीटर, दैट इज 64 × 10^5 मीटर. अगर ये दो वैल्यू यहाँ पे रखूं, G के बदले 9.8 और कैपिटल R के बदले 64 × 10^5, तो रूट ऑफ 64 मैंने 10 × 10^4, 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 98. 10^4, 10^4 का रूट 10^2 यानी 100, तो 8 will become 800, रूट ऑफ 2. और 89 को मैंने 2 × 49 लिखा, 2 × 2 = 4, और ये 49, रूट ऑफ 4 is 2, रूट ऑफ 49 is 7, 800 × 14, दैट इज 11,200 मीटर पर सेकंड, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. आई होप दैट्स क्लियर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मार्ज शेख, ओ मार्ज, मार्ज, ओके. इसके बाद मैं अगला नोट लिखो. ये नोट 1 था कि नोट 2 था? ये नोट 1 था कि 2? ओके, इसके बाद भी लिखो VE इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. VE इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. Density of Earth. हाँ, okay. सर लाइट आ रही है. अरे अब तुम्हारी अब आवाज आई. मैं पूछ रहा था मार्च मार्च तो मार्च बोल ही नहीं रहा था. सर बुक निकाल रहा था. क्या? Okay. मार्च तुम V का फॉर्मूला बोलो जो कि मैंने तुमको बोला था लर्न बाय हार्ट. V का फॉर्मूला क्या है escape velocity का? मार्च शेख सर रूट टू रूट टू वी सी तो एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है सर. V इज इक्वल टू रूट टू 2 जी आर. अरे वो भी नहीं, जो मेन फॉर्मूला है रे, जो लास्ट में डिराइव किया था जीएम के बदले जी आर पे रखा था तब वो फॉर्मूला आया था सर. फिर रूट टू रूट gm upon r which is small g small m upon small r. kya hai? No, capital g capital m upon capital r. that's right. equation number 1. now mass ka relation density ke sath kya hai? mass is density into what? tell me. volume. that is right. and what is volume of solid earth? 4/3 pi बड़ा R cube. Equation 2. Substitute 2 in 1. And therefore, what is VE? Square root of 2 G rho 4/3 pi R cube upon R. And that is equal to root of 8/3 G rho pi R square. क्योंकि R cube upon R will make it R square. So that will become R into root of 8/ G rho upon 3. No need to learn by heart this formula. That is 2R into root of 2/0/3. मैं एक बार रूलर मारूंगा, आप कॉपी कर लो इसको.
हो गया। सर हाँ या प्लीज प्लीज सर, वो क्या है, एम इज इक्वल टू डैश इनटू वी, डैश डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यू नो डेंसिटी का फॉर्मूला कौन पूछ रहा है, ये फॉर्मूला डेंसिटी इज, हुज वॉइस इज दिस प्लीज टेल मी, वैष्णवी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, mass will be density into volume, and volume of solid sphere is 4 upon 3 pi capital R cube, where R is radius of the earth. This I put it here. So V will be root of 2 g rho 4 upon 3 pi R cube upon R. Now this R cube on R will make it R square, root of R square. R square to bahar nikala to R. Root of 8 pi g rho upon 3, but 8 is 4 into 2. So 4 ka root bahar aega 2 aur andar 2. No need to learn this formula. You need to learn this formula and you should know mass is density into volume. So, apne aap ye formula aa jayega. No need to learn by heart. Topic here. Vaishnavi, you understood this? Yes, sir. Okay. मिटाओ इसको, मार्च है कोनन कुरेशी, मिटाओ इसको, ओम मिस्त्री, ओम मिस्त्री मिटाओ इसको। यस सर। ओके, इसके बाद में ऐसा लिखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर जीतू विल रीड आउट। Why an astronaut feels weightless? ने पहले कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं। कम्युनिकेशन और जियो स्टेशनरी, ये टाइटल लिख के रखो आप लोग। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। सपोज यह है कोनन कुरेशी और यह है उष्णा शेख, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पॉइंट पे आऊंगा। ये दोनों पास पास खड़ी है तो कैन दे टॉक टू विथ ईच अदर और दो, कैन दे टॉक ईच अदर और दो, बोलो। आराम से कम्युनिकेट करेंगे। सपोज कोनन कुरेशी ने भागना चालू किया और कोई और उसका यही पे ही है, नॉट मोबाइल फोन, फिजिकल टॉक। कैन उष्णा एंड कोनन कुरेशी टॉक विथ ईच अदर? नो, कैन दे टॉक? नो नो, दे कैनॉट, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यू कांट टॉक बेसिकली। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सपोज और ये दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं बाजू बाजू में, टेल मी, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, तो हर बार एक दूसरे के सामने रहेंगे, कैन दे टॉक और नो, कैन दे टॉक और दो, अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से भागेंगे तो कैन दे टॉक और नो, कैन दे कम्युनिकेट और नो, दे कैन, दे कैन, बिकॉज इवन दो दे आर रनिंग बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उष्णा शेख को लगेगा कि कोनन कुरेशी रेस्ट पे है, कोनन को लगेगा उष्णा शेख, एक्चुअली दे आर नॉट एट रेस्ट, but relative to each other both appear to be at rest, इसलिए communication is possible। अब है ना, आप बोलेंगे सर satellite में ये सब बातें कहाँ से आएंगी? एक चीज पता चल गई कि communication is possible only when the two bodies are at rest with respect to each other। अब सुनो situation क्या होती है, मुझे एक बात बताओ, ये suppose earth है, ये earth है, ये इसकी ऑर्बिट है, अर्थ रिवॉल्व करती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और टेल मी अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन इट कीप रिवॉल्विंग, कीप रिवॉल्विंग, रोटेटिंग एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में आ जाता है यहाँ पे वापस उसी जगह पे? 24 hours। दैट्स राइट, 24 hours, वेरी गुड आंसर, 24 hours, और दैट इज इक्वल टू 86,400 सेकंड्स।
अब सुनो, ये सपोज ऐसे रिकॉल कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस। अगर मैं सैटेलाइट लू, सैटेलाइट दो, उसको रिवॉल्व कर रहा हूं इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ सपोज ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो सैटेलाइट भी उसके पैरेलल में उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी। सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, अर्थ रोटेट करेगी, इट इज नॉट, अर्थ विल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस बट सैटेलाइट विल रिवॉल्व। तो मुझे एक बात बताओ, और मैं कुछ आइडिया ऐसे करता हूं कि सपोज ये सैटेलाइट, जब सैटेलाइट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पे है तो सैटेलाइट बराबर उसके सामने, जब ये यहाँ आता है तो सैटेलाइट बराबर उसके सामने, सैटेलाइट बराबर उसके सामने। टेल मी वन थिंग, फ्रॉम दैट पॉइंट कैन आई से सैटेलाइट विल अपीयर टू बी एट रेस्ट? हमेशा उसके सामने ही रहेगा, साथ 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 जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू इन हवा, ऐसे सपोज ये ऐसे ऐसे अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, सैटेलाइट उसके पैरेलल में, अर्थ का पॉइंट का रोटेशन ऐसे ऐसे बराबर उसके सामने, बराबर उसके सामने। टेल मी व्हाट विल हैपन, विल दैट सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी और नो? बोलो, विल दैट सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी और नो? हाँ, it will appear to be stationary. Such a satellite is called communication or geostationary satellite. तो मुझे बताओ इसके क्या दो कंडीशन है सैटेलाइट को कम्युनिकेशन और जियोस्टेशनरी बनने के लिए? दो कंडीशन क्या क्या है बताओ, पहली कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है? Anybody who can say with my explanation? Both the objects should have the same direction and velocity. Oh, much better answer, much better answer. इसमें वेलोसिटी के बदले है ना, यू मस्ट सिलेक्ट दिस कि डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज सेम एज व्हाट, इज सेम एज, बोलो अभी कौन बोलेगा, इज सेम एज एनीबॉडी? सैटेलाइट रिवॉल्व करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। दैट्स राइट, लवली आंसर अफीफ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, दूसरी बात, ये वाली कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो है इंपॉर्टेंट, दूसरी कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट, एनीबॉडी कैन टेल मी? दे शुड हैव द सेम स्पीड। नो, दे पीरियड स्पीड सेम नहीं होगी दोनों की। सर द पीरियड ऑफ सर, इसका पीरियड भी 24 आवर्स होना चाहिए। अगर अर्थ का पीरियड 24 आवर्स है तो अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में करती है, तो उसको सामने रहने के लिए उसको एक रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में करना होगा, एक रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में करना होगा। और 24 आवर का मतलब 24 × 60 × 60, यानी कि इट विल बिकम 86,400 सेकंड्स। ये वैल्यू ध्यान रखे हुए तो अच्छा है। तो communication satellite is a satellite and it is generally revolve in an elliptical or in equatorial plane. Equatorial plane mein ise rakhte hain so that it can cover maximum area of the earth. It can cover maximum area of the earth. So, ek minute. This satellite is used for telecommunication and TV broadcasting basically. Telecommunication or TV broadcasting ke liye iska use hota hai. Iski height hai na generally from the surface of the earth is around 35,800 किलोमीटर। इतने हाइट पे जब जाके उसको छोड़ते हैं तब जाके वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनती है। तो व्हाट आई कैन से अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेरी फर्स्ट थिंग, इट्स डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन हैज टू बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। नंबर टू, इट्स पीरियड हैज टू बी हाउ मच, मैं भूल गया, पीरियड कितना होना चाहिए सैटेलाइट का? 84,600 जीतू, वो पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पढ़ के बताओ बच्चों को। जीतू पढ़ो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और जोर से। हाँ सर, हाँ सर, इट इज अ टाइम पीरियड इज 24 आवर्स
That is the time period of Earth rotation about its own axis, and it revolves in the same sense in which the Earth rotates about its own axis. A communication satellite will always appear to be stationary. Periodic time of communication satellite is 24 hours and 86,400 seconds. It is mainly used for telecommunication and TV broadcasting. Approximately at a height of 35,800 kilometers above the surface of the Earth. This satellite is made to revolve parallel to the equatorial plane so that it can cover maximum area of the Earth. That is right. Isko hai na, isko aapko jagah chhod do, isko you will have to write later on in the notes. Aapke notes mein. Kyunki WhatsApp ka WhatsApp nahi rehne wala hai, to dhyan rakhna. Iske baad mein weightlessness. डेफिनेटली देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट ने सैटेलाइट के अंदर एकदम मस्त ऐसे 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 जाता है. कितने लोगों ने देखा है ऐसा? वो लोग मस्त उड़ते हैं जगह से दूसरी जगह. सबने देखा है? हाँ सर. यस नो? हाँ सर. टीवी में क्लिपिंग्स देखी होंगी? यस नो? हाँ सर, देखिए देखिए सर, देखिए ना. तो अपने को ऐसा लगता है, अरे यार ये क्या मस्त है, ये लोग कैसे उड़ते हैं मस्त एकदम हवा में लाइक बर्ड्स. एक्चुअली यू नो वो फील करते हैं वेटलेस. प्लीज नोट, उनका वेट जीरो नहीं होता है, बट फीलिंग वेट की चली जाती है. आप बोलेंगे सर क्या बात करते हो आप, वेट जीरो नहीं होता है, फीलिंग चली जाती है. सर ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले वेट क्यों होता है वो समझते हैं हम लोग. रिमेम्बर, सपोज ये है अर्थ, अर्थ का मास है m, ये है कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ. यहाँ पे सपोज जीतू बैठा है, जीतू अर्थ पे बैठा है. Tell me, what will Earth do? What will Earth do? ये क्या करेगी? जो क्या खींचेगी उसको, बोलेगी आज या you know, उसको वेट आता है. Because of this gravitational force, he has weight. But let me tell you, he doesn't experience this. वो बहुत स्मार्ट है जीतू. वो जब भी ऐसी सरफेस पे खड़ा होता है जो स्ट्रॉन्ग होती है, यू नो, मजबूत सरफेस पे होती है, which can give normal reaction. Which can give normal reaction, and this normal reaction is equal to weight. You know, मैं भी smart हूँ कि मैं ऐसी surface पे खड़ा हूँ कि मेरा weight ले सके. Alright, क्यों? क्योंकि मेरा weight जरा action और मुझे मिलता है normal reaction. जब तक ये मिलता रहेगा body को normal reaction, तब तक उसकी feeling of weight आएगी. और जिस दिन उसको normal reaction मिलना बंद हुआ, feeling of weight will go away. और अगर normal reaction कम हुआ, तो he will feel partial weightlessness. Remember, weight is not due to mg, weight is feeling of weight is because of normal reaction, because that is what is acting on us. Hum log used to ho gaye, jis din nahi milega us din problem hoga. Aap bolenge sir kaise nahi milega, aap example batao jahan nahi milega. Main aapko batata hu, but it is very dangerous, don't try this. Aapko weightlessness ki feeling earth pe kara sakta hu main. Dekho kaise, suppose ek 500 story ki building, 500 story na, uske terrace pe प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जीतू को खड़ा कर देता हूँ. मैं बोलता हूँ जीतू प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जा, तो जीतू प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, टेरिस के ऊपर है, रेस्ट पे. मैं बोला यू फील वेट? तो बोला हाँ सर, नॉर्मल लग रहा है मेरे को, कुछ प्रॉब्लम नहीं. फिर उसको उसी कंडीशन में हवा में छोड़ दिया जाता है उसको. ऑलराइट, दिस इज फ्री फॉलिंग. अब क्या होगा मालूम है? बोथ दिस प्लेटफॉर्म एज वेल एज जीतू आर मूविंग विद द सेम एक्सीलरेशन towards the center of the earth. And therefore, what will happen? You know, now, for the first time in his life, वो बोलेगा अरे मेरा weight ही नहीं लग रहा है, मेरे को सब कुछ हल्का हल्का लग रहा है, धीरे 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 ऐसे आ जाएगा. And it is very dangerous, क्योंकि एक बार टकराएगा तो you will get, and then there will be lot of. Is it like bungee jumping? Bungee jumping ना. बट बंजी जम्पिंग में यू आर गेटिंग नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन उठता है फिर वापस नीचे आता है. यहाँ पे फ्री फॉल, फ्री फॉल. जस्ट इमेजिन आप लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट का केबल काट दिया जाए तो लिफ्ट विल फ्रीली फॉल, देन यू विल फील वेटलेस. अंदर रहेगा लेकिन बोलेगा क्या हो रहा है, मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है. लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, देन यू विल फील वेटलेस. योर वेट इज नॉट बिकमिंग जीरो, बट नॉर्मल रिएक्शन यू डू नॉट एक्सपीरियंस एनी नॉर्मल रिएक्शन. तो रिमेंबर,
एस्ट्रोनॉट इज अ सैटेलाइट, बोथ आर लाइक फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ये सपोज सैटेलाइट, इसके अंदर एस्ट्रोनॉट है, बोथ आर फ्रीली फॉलिंग. देयरफॉर व्हाट विल हैपन, यू एस्ट्रोनॉट तो अपना एक्शन देता है वेट उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, बट सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग, देयरफॉर इट इज अनेबल टू ऑफर एनी नॉर्मल रिएक्शन, एंड हेंस दिस एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस इन द सैटेलाइट. प्लीज नोट, उसका वेट होता है क्योंकि यहाँ पे जी एच है, and therefore his weight will become m into gh. He possesses this weight but he doesn't feel it because normal reaction usko nahi mil raha hai. Surface, both surface as well as he are like freely falling body, therefore he is unable to get any normal reaction. So remember, feeling is due to normal reaction, weightlessness is not due to weight of the body becoming zero. Weightlessness is not due to weight of the body becoming zero. It is a feeling which one experiences due to absence of. अरे बोलो ना यार, समझ में नहीं आया. अरे भाई, वेट जो होता है ना, खाली ध्यान रखो, वेट अपने को जो फीलिंग होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के कारण होती है. आप खड़ी है किसी सर्फेस पे, अपना वेट दे रही है, लेकिन सर्फेस क्या देती है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, क्या देती है कोलिन? अरे आपने रिएक्शन दे दिया. अब जब सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है ना, तो उसमें सैटेलाइट रिएक्शन नहीं देती. रिएक्शन नहीं देती किसको? किसको नहीं देती रिएक्शन? सैटेलाइट नहीं, किसको नहीं देती रिएक्शन? एस्ट्रोनॉट को. किसको नहीं देती? एस्ट्रोनॉट को. एस्ट्रोनॉट को. एंड देयरफॉर एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस. बस इतना लाइन लिखोगे ना कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन this astronaut feels weightless, so that will be sufficient. I hope that is clear. Is this clear or not? So mere ko to clear nahi hai. Main wapas bata deta hu, dekho khali dhyan rakho, weight is because of what? Meri line sunte jao, do teen point mein. Weight is because of force of attraction by earth. You agree? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वेट होता है. एग्री और नॉट? यस यस सर. ओके, नाउ ये तो वेट हुआ, लेकिन फीलिंग इज व्हाई? बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन अस. फीलिंग कब आता है? जब नॉर्मल रिएक्शन मिलता है अपने को. मैं खड़ा हूं, एक्शन देखो, ये बॉडी किसी भी सर्फेस पे खड़ी है और अपना वेट देती है, लेकिन सर्फेस क्या देती है? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी. ये हमारे ऊपर एक्ट करता है. जब तक ये मिलेगा तब तक हमको, जब तक कैपिटल एन मिलेगा तो हमको फील होगा वेट. ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ सर. ओके, अब बोथ एस्ट्रोनॉट एज वेल एज सैटेलाइट आर लाइक फ्रीली फॉलिंग बॉडी. लाइक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसमें क्या होता है? एस्ट्रोनॉट has weight, but it, because it is freely falling, satellite is freely falling, it satellite does not offer any, ye bolo khali, does not offer any, satellite normal does not offer any, bus, normal reaction, normal reaction, and therefore astronaut feel weightless. Ye samajh mein aaya itna? Samajh gayi. ओके, इसके बाद है ना, देर आर सम यूजेस ऑफ सैटेलाइट, वो पढ़ेगा जीतू. डायरेक्टली पढ़ते हैं उसके बारे में, डिटेल में जाना नहीं है. जीतू यूजेस ऑफ सैटेलाइट पढ़ डालो जो मैंने लास्ट टाइम भेजा था. यूजेस ऑफ सैटेलाइट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन रेडियो वेव सिग्नल्स ओवर लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. For broadcasting, telecommunication, for military purposes, for weather forecasting and meteorology purpose, for astronomical observation, for study of solar and comets, radiation to relay distress signals from ships, to transmit cyclones, warning to coastal villages, for geoposition system GPS. बस ये सब है ना, आपको directly लिखना है, इसके बारे में detail में जाने की जरूरत नहीं है. थोड़ी बहुत थियरी बाकी है, दैट आई विल डू लेटर ऑन. फर्स्ट विल डू सम मस्त मस्त प्रॉब्लम. यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग. मैं चाहता हूँ कि आप लोग
क्वेश्चन 106 देंगे, 106 ये बहुत बार आता है एग्जाम में, पता नहीं एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 106 पढ़ो जी। तो टारगेट में से शो दैट क्रिटिकल वेलोसिटी। नहीं मिला, एक मिनट ढूंढो। 106 ना? हाँ 106, शो दैट क्रिटिकल वेलोसिटी। सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस। ओके मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। विल बी टोल्ड टू मी बाय मार्क शेक। मैंने जो फॉर्मूला बोला था लर्न बाय हार्ट करने के लिए वो सर अभी बोला ना, बोला वापस बोला तो क्या हुआ? VE इज इक्वल टू रूट टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। आई एम आस्किंग क्रिटिकल वेलोसिटी, not escape velocity. Marj, nahi aate? Murtuja? Sir, Murtuja? Under root capital G into capital M upon small r. That's right. That's the answer. Since satellite is revolving close. Mark, this is very bad answer by you. Very bad. I am asking critical velocity. You are giving escape velocity ka answer. Aur ye bolte ho, maine bola na abhi aise ye wali language use nahi karne ka class mein. Okay. Tell me what change will come? Revolving close mein kya change aayega? What change will come in this formula if revolving close? Sir, capital R. क्या होगा? कैपिटल आर। दैट्स राइट। अच्छा इसको इक्वेशन वन बोल दो। अब मुझे बताओ मुझे डेंसिटी लानी है अंदर, क्या करूं डेंसिटी को लाने के लिए? व्हाट शुड आई डू टू ब्रिंग डेंसिटी इन दिस इक्वेशन? किसको भगाऊं और डेंसिटी को लाऊं? मैंने अभी अभी किया था स्टार्ट में एक इसका सब्स्टिट्यूशन। समास। समास इज इक्वल टू डेंसिटी। समास इज इक्वल टू व्हाट? So density into volume. That is right. And what is the volume? Volume Ushna. 4/3 pi r capital R cube. That's right. Lovely answer. Substitute 2 in 1. Four upon 3 pi r cube upon r. That is equal to square root of 4/3 g rho pi r square. So root of 4 is 2. Root of r square is r. 2 r. Root of
प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, सो सिंपल, वेरी सिंपल। एक बार रूलर मार दूं कि क्लियर है, देखो रूलर मारता हूं। जनरल फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी इज दिस, बट सिंस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज, बेसिक आंसर विल बिकम रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर के बदले कैपिटल, क्योंकि वो लोग ने बोला है सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज। इक्वेशन नंबर 1, मास इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इनटू व्हाट इज वॉल्यूम, 4 अपॉन 3 पाई बड़ा आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, इसको यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो वीसी विल बी रूट ऑफ जी मास के बदले रो इनटू 4 अपॉन 3 पाई बिग आर क्यूब अपॉन आर, तो बिग आर क्यूब अपॉन आर इज आर स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ 4 2 और आर स्क्वायर इज आर और 0 अपॉन 3 और ये प्रूव करना था हमको, ये देखो जरा सेम है ना, तो वी प्रूव, वी हैव प्रूव्ड, आई एम श्योर इट्स वेरी सिंपल। समझे क्या? हाँ सर, समझ गए। एनी डाउट? डाउट डाउट नहीं सर, नहीं सर। देन वी डू 107। सब फॉर्मूला बेस पे फॉर्मूला आना चाहिए। Find the orbital speed. Timmy, अगर orbital speed पूछा तो क्या निकलना है हमको? Anyone? Find the orbital speed of satellite. मतलब क्या? The speed at which the satellite is revolving around the. What is the speed at which it revolves? The critical velocity. That is right. Orbital बोलते भी हमको VC ही निकालना है, ध्यान रखना। When satellite round the earth in a circular orbit, orbit का distance दिया है, तो छोटा r उन्होंने दिया है, 9 into 10 raised to 6 meter. Mass of the earth is given, 6 into 10 raised to 24 kg. And capital G, 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. And radius of the earth, नहीं जरूरत नहीं है radius of earth की, जरूरत नहीं है radius of earth की। Marge, once again I'm asking you, tell me formula for critical velocity. Marge, shake. Sir, root capital G capital M upon small r. Lovely. बस यहाँ पे substitute करो, you will get the answer. 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass is 6 into 10 raised to 24. Upon small r, 9 into 10 raised to either upper. And when you simplify this, you'll get answer is 6.668. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आना चाहिए, ध्यान रखना, कब भी फॉर्मूला मिस नहीं करना है आपको। हंड्रेड एंड एट रीड करो जीतू, 108। जीतू, टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर and gravity at the earth surface as 9.8 meter per second square, calculate the speed of the revolution of the satellite orbiting close to the earth surface.
क्लोज टू अर्थ। फिर भी वीसी का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। क्लोज टू द अर्थ में क्या चेंज करूं पहले बताओ मेरे को, सिंस इट इज क्लोज टू द अर्थ कैपिटल आर, कैपिटल आर, यस दैट्स राइट। अब मैंने जी और एम की वैल्यू दी ही नहीं है तुमने, अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं, ना कैपिटल जी दिया ना कैपिटल एम दिया, देखो यहाँ पे, और हमको फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो करूं तो मैं क्या करूं, एनीवन, मुझे कैपिटल जी कैपिटल एम नहीं दिया है, मुझे जी और आर और ये सब क्लोज और ये सब चीजें दी है, व्हाट शुड आई डू, कोई तो बताओ मेरे को, मैं फंस गया हूं सर जी। Sir, small g r square. That's right. Put gm equal to g r square. And therefore, vc ka answer hoga root of g r square upon r. Very good, Afif. I am really happy with you. Now your original form. 9.8 into 6,400. Is this right? ये राइट है कि रॉन्ग है, ये बराबर है सर, गो अहेड एंड गेट द आंसर, बोलो कोई तो बोलो। हां 6400 स्क्वायर, स्क्वायर, आर यू श्योर स्क्वायर, क्यों स्क्वायर करने का, और स्क्वायर तो जी आर है, यस सर, या यस सर, इट गॉट कैंसिलड, ये राइट है ना, बट व्हाई इज रॉन्ग, no sir it's right, yeah why it is wrong, it is wrong, Vidhi, you know, Vidhi, you tell me what is wrong, the kilometer to meter, that's right, this you have to write as 64 into 10^5 meter, I told you never put kilometer and meter together, dekho g 9.8 meter per second square, ye kilometer kaise chalega, even this is to be meter, root of 64 is 8, this is 9.8 into 10 into raise to 4, this is 98 is 2 into 49, 10 is to 4 is 10 is to 2, which is bar, that is 800 into 7 into root 2, that is 5600 root 2, and that is 5600 root 2 ki value hai 1.414, and when you simplify this you will get 7.92 into 10 is to 3 meter per second. Hamara time bhi bahut kam bacha hai, less than minute. Yahan pe bahut important part, ye bahut acha bataya Afif ne, GM = GR square.